राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल इंडियन फूड खजाना पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने नूडल्स मंगवाए थे और देखिए इतने सारे नूडल्स बच गए हैं, समझ में नहीं आ रहा था इनका क्या करूँ। फिर क्या किया मैंने, ली ब्रेड, जो आटा ब्रेड है उसको इस तरह से मैंने चकली बेलने के साथ उसको कर लिया फ्लैट और उसमें भर दिए मैंने नूडल्स। मैंने कहा चलो शाम की चाय के लिए कुछ स्नैक्स ही इससे तैयार की जाए, और यकीन जानिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी बने, सबने बहुत पसंद किए। तो हमारी जो नूडल्स हैं वो भी काम में आ गई और इस तरह से एक बहुत ही स्वादिष्ट सा हमें नाश्ता भी मिल गया। तो इस तरह से मैंने स्लरी से चारों तरफ से इसको कर लिया बंद, और बंद करने के बाद मैंने इसको अब करना है इस स्लरी में डिप। देखिए इस तरह से आप अच्छे से दबा दबा के बंद कीजिए ताकि हमारे जो नूडल्स हैं वो बाहर ना निकले, तेल में ना गिरे। तो इस स्लरी में हमने इसको डिप करना है ताकि ये थोड़े से कुरकुरे से बन जाएं, और स्लरी में डिप करने के बाद आपको कर लेना है फ्राई। तो आपने गोल्डन ब्राउन जो है इनको फ्राई करना है। देखिए कितने ही अच्छे और कुरकुरे बने हैं दोस्तों। इसी तरह से और रेसिपीज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।